हरे कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि मेरा बर्थडे है 30 जून को, और मेरे बर्थडे के पहले ही जस्ट 3 दिन पहले मुझे राधा रानी ने एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट दिया है, जिसका इंतज़ार हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या गिफ्ट दिया है। लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, आप लोग को तो ये बात हमने पहले बता ही दी थी। और हमारा यूट्यूब की तरफ से हमारा पहला पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट रिलीज़ हुआ है, जो कि मुझे 2 दिन पहले मिला है। मतलब 27 जून को मुझे फर्स्ट पेमेंट मेरा राधा रानी की कृपा से मिला, और 30 जून को मेरा बर्थडे है। तो मेरा गिफ्ट राधा रानी की तरफ से ये गिफ्ट था मेरे लिए। तो बिल्कुल भी शोशा नहीं करेंगे, बाकी व्लॉग्स की तरह ऐसे नोटों की गड्डियां नहीं बताऊंगी मैं ऐसे खोलते हुए, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है वो सब। ऐसे शोशा नहीं करूँगी मैं कि गड्डियाँ ऐसे हिला रही हूँ, बता रही हूँ कितना मिला है क्या है। वो तो राधा रानी की कृपा है, प्रसाद है उनका, हमने स्वीकार किया है। 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी मैं एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, और ये अभी कैसे सारी चीज़ें हुई ये भी बताऊंगी मैं। तो अगर आप पहला पार्ट देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा, और सेकंड पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आई है, इसके 4 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और मेरे पास लास्ट ऑप्शन था ये यूट्यूब का। तो मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई YouTube चैनल बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, ऐसा कोई आइडिया नहीं था मुझे। व्लॉग्स, वीडियोस बनाने का, फ़ोटो क्लिक करने का, मुझे ये सब पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। यू नो इट्स माय नेचर कि अगर मैं कहीं आती जाती हूँ तो मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियोज़ बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो काफ़ी टाइम से मैं काम नहीं कर रही हूँ फिल्मों में, शूटिंग्स वगैरह पर नहीं ध्यान है मेरा, नहीं दे रही ज़्यादा ध्यान मैं। तो भक्ति कर रही हूँ, लाला की सेवा ही करती थी, इसे मेरा ज़्यादातर टाइम चला जाता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि लोगों ने एक धारणा बना ली थी मुझे लेके कि अरे तो भगवान को लेके घूमती रहती है, इधर उधर सन्यासी बन गई है, पूजा पाठ करती, इसको क्या लेना पिक्चर में, छोड़ो जाने तो नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा बीच में होने लगी। लेकिन मैंने ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें ज़रूर कृष्ण की कोई लीला होगी, ज़रूर उन्होंने कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा होगा। तो वो दौर भी निकल गया, बीच बीच में काम करी मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे ये साल मैंने किया दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, 3-4 पिक्चरें की मैंने बीच में, बट मैं बहुत ज़्यादा भागम दौड़ नहीं कर रही थी अपने मूवीज़ के लिए। लास्ट ईयर कार्तिक महीने के बाद या पहले हम गए थे जगन्नाथ धाम, गए थे जगन्नाथपुरी धाम गए थे, और मैंने खूब सारे फ़ोटोज़ खींचे थे। तो वहीं पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ से बाहर निकली, और जैसे कि हम बीच पे बैठे थे, पूरी बीच पे जस्ट हम जाने वाले थे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे व्लॉग्स बनाना चाहिए। जैसे कि भगवान ने मुझे एक हल्का सा हिंट दिया है कि जब तुम वीडियोस बनाती हो तो क्यों ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनाओ जहाँ पे तुम्हारी कुछ अर्निंग हो सके, क्योंकि दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पर तो इतना अर्निंग के ऑप्शन तो है नहीं। तो मैंने लगा कि हाँ ठीक है, तो मेरे साथ भी और भी लोग थे, तो मैंने ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि चलो भाई वीडियो बना ही लेते हैं थोड़े बहुत। तो हमने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिए। इससे पहले भी हम वृंदावन गए थे तो भी हमने वीडियोस बनाए थे, लेकिन इस इतना नहीं बनाए थे कि व्लॉग्स जैसे नहीं बनाए थे, लेकिन थोड़े थोड़े बाइट्स जैसे बनाए थे। तो मैं लगा कि ठीक है, तो फिर वहाँ से आई तो मैंने व्लॉग्स डालने थोड़े थोड़े स्टार्ट किए इधर उधर जैसे करके। जो मेरा पहला वीडियो चला था ना, वो कुछ 890 व्यूज थे उसके अंदर, वो था गोवर्धन परिक्रमा का, राधा रानी की कृपा से चला भी तो भगवान का ही व्लॉग चला, 890 व्यूज थे। और उसके पहले का जो व्लॉग था, आज भी आप मेरे 8-9 महीने हो गए होंगे मुझे व्लॉग्स बनाते हुए, 8 महीने हो गए होंगे अब जाएंगे, तो उसके अंदर 100 व्यूज था। वो था लिंगराज टेम्पल का, मैं भुवनेश्वर, जब उड़ीसा से हम भुवनेश्वर गए थे तब का था, और 100-150 बस ऐसे 2 व्यूज आए थे फर्स्ट व्लॉग पे। और फिर बाद में आया ये गोवर्धन परिक्रमा वाला। इवन इफ हमने बरसाना धाम का और भी व्लॉग्स काफ़ी सारे डाले थे, लेकिन व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। और उसकी तो इनकम कितनी होगी आपको तो पता ही है, 1K के ऊपर आपका इनकम अगर मोनेटाइज होता है तो चालू होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लेकिन आगे। और फिर शॉर्ट्स का भी आ गया था, और मेरे ख्याल से शॉर्ट्स में कुछ 10 मिलियन के आसपास था। तो 10 मिलियन जो टाइम था वो शॉर्ट्स का था आपको करना था, और 5000 आवर्स आपको इसका था, 4000 आवर्स आपका ब्लॉग्स का था, आवर्स कंप्लीट करने थे। मेरे लिए तो बहुत टेंशन होता जा रहा था, क्योंकि कितनी हल्की सी भी डंडी आगे नहीं जा रही थी मतलब इतना सा
सा भी है ना ग्रीन आगे नहीं जा रहा था वीडियोस अपलोड करने का, तब मैं इतना सीरियस नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे लगा चल जाएगा। तो डाल रही थी तो नहीं व्यूज आते थे बिल्कुल भी, ना के बराबर 10, 20, 30 ऐसे बहुत टाइम के बाद स्टार्ट हुए। तो मैं व्लॉग्स भी ऐसे रेगुलर नहीं डालती थी, यू नो 10 दिन पे डाला, 15 दिन पे डाला, 4-5 दिन पे डाल दिया। शॉर्ट्स को भी लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, मैं लगे हाँ ठीक है डालना ही है, मुझे लगा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ तो इधर क्या ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा डालती रहती थी। लेकिन इत्तेफाक तो देखो मतलब खाली 10 लाइक 12 लाइक 15 लाइक ऐसे आते थे। तो उस समय मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपने चैनल को किस तरीके से आगे लेके जाऊँ, एज ए एक्ट्रेस आगे लेके जाऊँ या एज ए भक्ति में ही आगे लेके जाऊँ। बट मेरा मेन फोकस भक्ति का ही था, मुझे था कि मैं डिवोशनल चैनल ही मुझे प्रीफर करना है, क्योंकि मैं शूटिंग पे मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी दोनों चीज़ें एडजस्ट करके डालती थी। शॉर्ट्स पे मैं जैसे भक्ति का डालती थी तो बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो मैं अपने से शूटिंग पे गई हूँ, यू नो थोड़ा सा साड़ी पहन लिया तो शूटिंग का ब्लॉग्स डाल दिया कैमरे के साथ, तो वो वीडियोस डाल दिए शॉर्ट्स के लिए, तो वो थोड़े बहुत चल जाते थे, 99 लाइक्स आ जाता था, 15 या 30 ऐसे लाइक्स आ जाते थे। थोड़े डांस वांस वाले वीडियो भोजपुरी पे डाल देती थी तो उस पर भी लाइक्स आ जाते थे सो कॉल्ड थोड़ा थोड़ा। तो ये तो बहुत स्ट्रगल चल रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते जा रहा था हमारा, 10 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है आवर्स, तो फिर भी हम एक बार सोच सकते हैं कि चलो हम लाइव आ जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं और ब्लॉग्स डाल देंगे तो हो जाएगा, बट शॉर्ट्स का बहुत डिप्रेशन हो रहा था। चीज़ें चलती गई, बहुत सारे व्लॉग्स बने शूटिंग के बने, तो हाँ शूटिंग पे भी थोड़े बहुत जाने लगे। जो मेरा पहला व्लॉग चला था उसका जो व्यूज़ था वो कुछ 2.1K या 2K समथिंग था, वो भी शॉर्ट्स का, ये शूटिंग का ही था, लेकिन भक्ति के एक भी नहीं चल रहे थे। जैसे मैं कार्तिक महीने में वृंदावन गई थी उसका डाला था, वो भी नहीं चल रहा था, मतलब कोई भी नहीं चला। इवन इफ होली तक, ये जो होली अभी गई है ना, ये होली तक मेरे एक भी व्लॉग्स अच्छे नहीं चल रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, होली खेल के आई हूँ मैं और मैंने सारे व्लॉग्स डाले, यू नो यहाँ से वृंदावन की ट्रैवलिंग की लाला को लेके गई, पैकिंग का, पहला दिन हमारा होली का, दूसरा दिन हमारा होली का, 4 दिन हमारे होली के, जितने भी ये सारे व्लॉग्स डालते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मतलब नहीं आते थे। तो एक होता है ना थोड़ा इंसान डीमोटिवेट होने लगता है, क्योंकि हमारे पास कोई और ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, इनकम सोर्स ऑफ इनकम कुछ और, एक्स्ट्रा शूटिंग वूटिंग का कुछ नहीं है, EMIs है, घर का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा थोड़ा अंदर से, अब थोड़ा आगे जाके मुझे टेंशन हुआ, तो मैं जस्ट लाला को ऐसे भोग लगा के आई और अपना माला जाप कर रही थी, और माला जाप करते करते मैंने सिर्फ राधा रानी को बोला, आँख बंद था माला कर रही थी मैं, राधा रानी को बोला कि देखो ये घर भी आपका है, मैं भी आपकी हूँ, कृष्ण भी आपके हैं, अगर एक लास्ट होप है हमारा ये यूट्यूब चैनल, अगर ये मोनेटाइज नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे वापस से शूटिंग वगैरह या वापस से वहाँ नहीं जाना। मुझे ऐसा, अगर मैं भक्ति में आगे आ गई हूँ तो मैं भक्ति में ही आगे जाना चाहती हूँ, पीछे वापस मुड़ के आता है कुछ अच्छा काम तो करूँगी, बट ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब कल को अगर नहीं होगा तो लाला को भी तो भोग लगाना है, उनके भी कपड़े हैं, उनके भी खर्चे हैं, मेरे हैं, कौन संभालेगा, मतलब यू नो थोड़ा सा बहुत। देखो भगवान से बात करने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप डिप्रेशन में नहीं रहते हैं, प्लस आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको वो सुन रहे हैं जो समस्त सृष्टि को चलाते हैं, ये हमारी ठकुरानी जी सबकी सुनती हैं और सबके लिए अच्छा ही करती है। तो मैंने ये चीज़ उन्हें बोली, और बहुत सारे लोग नहीं बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, विश्वास पे ही सारी चीज़ें टिकी है। जैसे हमें विश्वास है कि हमारा दोस्त हमारे साथ है तो कभी कुछ बुरा नहीं होगा, ये विश्वास है। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर वो कितना भी अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करेगा आपको नहीं दिखेगा। बस यही बात मैंने राधा रानी को बोली, ब्लॉग्स भी ऐसे ही डालती थी, शॉर्ट्स भी डालती थी, मेहनत तो मैं अपनी तरफ से कर रही थी, कहीं भी मैंने ऐसे नहीं मतलब बैठ गई हूँ और कुछ कर नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं। हम मेहनत करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि बस खा पी के लेट गए और फिर इंतजार कर रहे हैं कि राधा रानी कुछ चमत्कार कर देंगी, ऐसा नहीं है, मेहनत तो करना ही है। फिर मैंने ये चीज़ मैंने राधा रानी को बोली, और मेरे ख्याल से ये बोलने के जस्ट 3 या 4 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर पहला जो शॉर्ट मेरा चला था, इससे पहले एक शॉर्ट चल गया था वृंदावन जाऊँगी सखी, उसके बाद एक और मेरा राधा रानी वाला शॉर्ट्स चला, और उसके बाद मेरा एक तिलक वाला जो मैं तिलक कैसे लगाती हूँ वो चला, और ऐसे करके अचानक से शॉर्ट्स चलने लग गए। मतलब जो भी शॉर्ट्स डालूँ और चल जाता था, जो भी शॉर्ट्स डालूँ और वो चल जाता था। मेरे लिए वो एकदम था कि अरे ये तो मेरी राधा रानी की कृपा हो गई, एकदम अचानक से ये हो गया। फिर व्लॉग्स भी थोड़े बहुत अच्छे अच्छे चलने लग गए। पहला जो मेरे को ऐसा था कि 10 मिलियन होने वाला है मेरे शॉर्ट्स पे, वो 7 तारीख था, 7 मई देख रहे थे कि हम बस 10 मिलियन होने वाला है
ये उम्मीद थी, लेकिन मुझे एकदम नहीं था कंफर्म। और जो मेरे आवर्स थे वो कुछ 1600 या 1700 के, हाँ 1600 या 1700 आवर्स थे, 2000 भी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से। मैं तो 2000 में भी नहीं गिनूंगी उसे, 2000 भी नहीं हुए थे। तो मेहनत तो बहुत बहुत लंबा सफ़र था मेरे लिए। बट ऐसे 7 मई की रात को मैं सोई, ऐसे सुबह उठी और मेरा पहला ही काम भगवान को ऐसे, मतलब फोटो वोटो देख के, नाम भगवान का नाम लेके उठते, मोबाइल चेक करते थे, देखते थे कितने आवर्स हुए, और देखा तो अचानक से सब कुछ गायब हो गया। मैं तो टेंशन में आ गई, मैंने अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है, आवर्स टाइम का कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डर गई, तो मैं एकदम सुबह 7 साढ़े 7 बज रहा था, मैंने फटाफट, मेरा जो भाई आपने देखा होगा काफ़ी सारे व्लॉग्स में उसको, उसका नाम कंदर्प है, पांडे जी बोलते हैं उसे, मैंने तुरंत उसको मैसेज भेजा ऐसे स्क्रीनशॉट लेके, मतलब देख ऐसा आ रहा है मुझे, बोलते हैं हाँ 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 चिंता मत कर, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, मैंने सब कर दिया। मैं तो एकदम से डर गई थी, बोला ये क्या हो गया। तो 8 मई को मोनेटाइजेशन के लिए चला गया था, 9 मई को अप्रूवल आ गया था, मेरे ख्याल से 9 मई को अप्रूवल हो गया था। वो तो गया था सेम ही डे, बट एक आपको 24 आवर वेट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए, तो ये हो गया। तो सारी चीज़ें मेरे भाई ने की थी इसके अंदर, तो उसने मेरा एडसीन अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको सब पीसी पे कंप्यूटर पे करना पड़ता है, मोबाइल वगैरह पे नहीं होता। तो मेरे पास कंप्यूटर वगैरह है नहीं, मेरे भाई के पास कंप्यूटर है, तो उसने सारी चीज़ें वहाँ पे एडसीन अकाउंट बनाया, फिर मेरा ईमेल आईडी लिया, बैकअप के लिए ईमेल आईडी लिया, पास पैन कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, प्रॉपर सारे नाम वगैरह उसने सब कुछ लिख दिया था, सारी चीज़ें सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब मैं ना जब तक मोनेटाइज नहीं हुआ था मैं टेंशन में थी, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कैंसिल वैंसल हो गया तो कोई दिक्कत हो गई तो, लेकिन राधा रानी की कृपा से वो भी हो गया। 9 तारीख तक हमारा सब बढ़िया, 9 तारीख को पूरे प्रोफाइल में आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं तो बोला अरे बोल, चलो एक हल्की सी उम्मीद तो हमारे अंदर आई कि चलो कुछ कर रहे हैं उसका कुछ तो फल मिलेगा। तो जो पहले दिन का जो 2000 के आसपास आया था, इस 8 महीने का जो पूरा प्रोसेस था उसका, मतलब इतने सारे वीडियोस डालने के बाद 2000 का आया था, मेरा कि ठीक है जो है हमें वो भी स्वीकार है, कोई लालच नहीं है कि हमको इतना मिले ये दे वो दे, नहीं भगवान हमें जो दे रहे जितना दे रहे हैं हम उसके अंदर खुश हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब 19 मई को मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मैंने उसका भी व्लॉग बनाया था। फिर आया 26 मई को, हमने मेरे भाई ने ब्लू ये अपना बटन के लिए अप्लाई कर दिया था, ये वाले सिल्वर बटन के लिए अप्लाई किया था। और 25 मई को एडसिन अकाउंट के, आप जब बनाते हैं ना तो आपको एक मेल क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना पोस्ट ऑफिस से आपको एक एनवल आप आता है, एडसिन अकाउंट जब आप बनाते हैं तब गूगल की तरफ से आपको मिलता है एक ऐसा एनुअल, आपके अंदर एडसिन अकाउंट ऐसे लिखा होता है गूगल का, और उसके अंदर पिन होता है, वो पिन आपको ऐड करना होता है अपने अकाउंट में जो आपने बनाया होता है। मोबाइल में नहीं होगा, कंप्यूटर में होगा, तो जिसने एडसिन अकाउंट बनाया होता है उसको पता है। तो मेरे भाई ने ये सारी चीज़ें कर दी थी, तो पहला वो आया तो मेरे भाई के पास गया, क्योंकि मैं तो मुंबई थी, दोनों लाला भी मुंबई थे, तो सारी चीज़ें मेरा भाई कर रहा था। मैं उसकी आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो गेमिंग का चैनल चलाता है लेकिन बहुत स्मार्ट है इन सब चीज़ों में। तो उसने एडसन अकाउंट आया और उसने पिन जनरेट कर दिया, वहाँ पे जाके पिन डाल दिया, सारी चीज़ें हो गई। जब मेरे भाई ने मुझसे पहली बार पूछा कि दीदी सिल्वर बटन के लिए अप्लाई करना है, 26 मई था, तो किसका नाम लिखूँ, तो मेरे मन में पहले ही ख्याल आया ना, नहीं मेरे लाला का नाम लिखवाऊंगी मैं, और मैंने डिसाइड करके रखा है सिल्वर है तो नंदलाल का आएगा, गोल्डन आएगा तो श्याम सुंदर का आएगा, और अगर डायमंड आया तो राधा रानी का। मेरे दिमाग में मैं अपने नाम से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, यही मेरी इच्छा थी। इसलिए आप देखिएगा जब मेरे पास सिल्वर बटन रखा होगा ना, उसमें पहले नंदलाल है और बाद में ब्रैकेट में प्रियंका पंडित है। मैं तो प्रियंका पंडित लिखवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने बोला दीदी ब्रैकेट में लिख दूँ चलेगा, बोला ठीक है चलेगा, चल ये भी लिख दे। तो इस तरीके से चीज़ें हो गई। अब सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम क्या था मालूम है, जब हमने 25 मई को एडसिन अकाउंट हमारे पास आया, जनरेट हो गया, आपको जो सबसे मेन चीज़ आपको करनी, तो आपको अपना बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स आपको सारे देने होते हैं, जब पेमेंट का सब ये आप कोड देते हैं तो आपको पेमेंट के लिए सारी चीज़ें आपको देनी होती हैं, बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम और पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी है आपके पास वो, और
जो सबसे मेन चीज होती है थी स्विफ्ट कोड, मतलब बैंक का स्विफ्ट कोड। तो मेरे को ये चीज पता थी कि स्विफ्ट कोड देने की, कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट अगर आप रिसीव करते हैं तो आपको बैंक का स्विफ्ट कोड आपको लिखना ही पड़ता है, अगर वो लिखेंगे नहीं तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो मुझे ये चीज़ वहाँ से, जैसे मेरे भाई ने वहाँ जनरेट किया, मैं सबसे पहले बैंक गई, क्योंकि मैंने जस्ट मुंबई से ट्रांसफर किया था बैंक में, वहाँ गई स्विफ्ट कोड ली, तो मेरे बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं था, गोरेगांव ब्रांच का स्विफ्ट कोड था। तो मेरे को ये था कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा ये, गॉड नोज, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन रहता है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा पेमेंट रिसीव होने वाला है तो कोई टेंशन तो नहीं आएगी ना, तो बोले कि नहीं, हमारे जितने भी एक ही मेन ब्रांच है और ये सारे अकाउंट जितने भी बैंक हैं जो वो उसी से ऑपरेट होते हैं, उसी के लिंक में आते हैं, तो इसी स्विफ्ट कोड से आपका चलता है। तो मैं स्विफ्ट कोड अपने पेन पेपर पे इतना सा लिख के आ गई। अब काफ़ी दिन बीत गया, मैंने बोला यार आगे कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, एक 10-15 दिन का उन्होंने कहा था कि अगर आप स्विफ्ट कोड डालते 10-15 दिन के अंदर आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो 15 दिन हो गए, 20 दिन, मतलब चाह ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, मेरे को तो टेंशन होते आ गया। क्योंकि अभी देखो, मैंने जैसे कहा कि 27 जून को फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुआ है और 25 मई को हमने डाल, मतलब पूरा ऑलमोस्ट एक महीना हो गया था, 15 दिन का लिखा था, तो मेरे को तो टेंशन होने लग गया था धीरे धीरे, मिला कि क्या हो रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। फिर 2-3 बार प्रॉब्लम आ रही थी कि जो मेरा बैंक में जो नाम था, तो मेरे जो हम आईडी प्रूफ डालते हैं और बैंक का जो नाम है, दोनों नाम सेम होने चाहिए, आपका नाम मिडिल नेम, आपका सरनेम, और आपके अगर आपके पापा का नाम है या आपके हस्बैंड का नाम है, तो ये तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। और मेरे आईडी प्रूफ में कैसा हो रहा था कि प्रियंका, जिसे मेरे पापा का नाम और पांडे, ऐसा मतलब आ रहा था। तो मेरे आईडी प्रूफ में प्रियंका एम पांडे या ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके से, अगर जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे कि निधि शर्मा और पिताजी का नाम, और आईडी प्रूफ में खाली कुछ और नाम लिख दिया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो 3-4 बार मेरे भाई ने अप्लाई किया होगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था। 3 बार ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया, 3 बार रिजेक्ट हो गया। फिर 4th बार उसने बोला कि ठीक है, फिर उसने मेरे ख्याल से पैन कार्ड का या आधार कार्ड का समथिंग कोई चीज़ उसने डाला, बोले ये ट्राई करके देखते हैं, अगर इसमें हो जाता है तो ठीक है। वो डाल दिया, वो भी अप्रूव हो गया, और 3 डेज का टाइम बोला कि 3 दिन के अंदर। जब मैं अहमदाबाद थी अभी, जब मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने कैसे कैसे डाला, 21 तारीख को भी डाला था, उससे पहले हमने समझो हमने 13 तारीख को डाला, फिर हमने 16 तारीख को डाला तो भी नहीं आया, फिर हमने लास्ट 21 मतलब हमने फिर 17 या 18 या 19 को एक बार फिर से हमने अप्लाई किया कि लास्ट टाइम अप्लाई करते हो जाता तो ठीक है, लेकिन तब तक भी कुछ नहीं हो रहा था। और बाद में 22 को मुझे मुंबई आना था, फिर मैंने 2-3 दिन मेरे भाई को कंटिन्यू फ़ोन किया, मतलब बेटा कुछ हुआ, बोले नहीं दीदी कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग बता रहा है। फिर एंड ऑफ द डे मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, उसने 21 तारीख को फिर अप्लाई किया था मेरे सामने ही, तो प्रोसेस में बता रहा था कि प्रोसेसिंग में है। फिर उसने जाके लास्ट में उसने मैसेज किया कस्टमर हेल्पलाइन में जाके, फिर कस्टमर हेल्पलाइन से बात हुई और उन लोगों ने ये बोला कि आपका पेमेंट ट्रांजिट में है, मतलब ट्रांजिट में चला गया है, कम से कम आपको 10-15 दिन आपको रिसीव होने में बैंक में आपको लगेगा। हमने बोला कि ठीक है, चलो भैया कोई बात नहीं, बस आ जाए, यही चीज़ का सबसे ज़्यादा टेंशन था। और मैंने जस्ट 25 तारीख को या 24 तारीख को मैंने उससे बात की थी कि आया नहीं यार, अभी तक आया नहीं, बोले कि ठीक है आ जाएगा, मैंने बात कर लिया है। उसने मुझे मैसेज भी बेचारे ने भेजा था कि उन लोगों ने क्या क्या उसको बोला था कि मतलब हो जाएगा, 2 दिन की बात है या 3 दिन में हो जाएगा। जैसे लिखा था, थैंक्स फॉर वेटिंग, बेस्ड ऑन दिस डिटेल द स्टेटस इज स्टिल इन ट्रांजिट, प्लीज अलाउ अप टू 15 वर्किंग डेज फॉर द ट्रांसफर टू कंप्लीट। मतलब 15 दिन वो लोग मांग रहे थे, मतलब कि चलो एक महीना वेट कर लिया, 15 दिन भी कर लेते हैं, तो मतलब कि ठीक है चलो फिर वेट करने लगे। और ऐसे मैं टीवी देख रही थी और मुझे टिडिंग ऐसे करके मैसेज आया और मैंने ऐसे देखा तो मेरे लिए पेमेंट आया है, तो मैं कंफ्यूज थी कि ये अमाउंट कौन सा है, क्योंकि कुछ पेमेंट्स कट के आए हैं, मेरे ख्याल से कुछ 550-600 रुपए कट के आया है, शायद उनका फीस होगा या कुछ भी होगा, वो कट के मेरे पास आया था, तो मैं कंफ्यूज थी। तो मैंने सबसे पहले फिर अपना अकाउंट ओपन किया और अमाउंट देखा वहाँ पे, तो सेम अमाउंट तो नहीं था, डिफरेंस था 650 रुपये का डिफरेंस था, पर मतलब कोई बात नहीं, 650 रुपये भी कटा, लेकिन कम से कम आया तो कम से कम एक उम्मीद तो बनी कि हाँ चलो और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मल चैनल्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर डिवोशनल चैनल भक्ति वाली चीज़ों को लेके ना, आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लोग आपके सामने बार बार एक ही चीज़ उठाते हैं
कि अरे नाटक कर रहे हैं, अरे पैसे के लिए कर रहे हैं, अरे दिखावा कर रहे हैं, बट अगर धर्म से, धर्म के काम से अगर दो पैसा मिलता है तो वो खराब थोड़ी नहीं है ना। गलत चीज करके पैसे कमाने से तो अच्छा है धर्म की राह पर चल के दो पैसे कमा लो, वो बेटर है ना कि किसी का बुरा करके, किसी का गलत करके या किसी के बारे में बुरा बोल के वो इनकम, मतलब गलत तरीके से आए हुए धन से अच्छा है कि धर्म का प्रचार करके अगर 2 रुपए कम भी मिलता है लेकिन सुखी अगर इंसान रहता है तो क्या गलत है। यही मेरा थॉट था। 30 जून को मेरा बर्थडे, 27 को मुझे राधा रानी ने गिफ्ट दे दिया। ये बात अलग है, अब कंटिन्यू बारिश हो रही है, वो छोड़ दो। तो सबसे पहले मैं गई राधा राज बिहारी टेम्पल, मैंने उसका भी ब्लॉग डाला है, मैंने सबसे पहले वहाँ जाके थैंक यू ही बोला है। और जैसे कि मैंने बताया ना कि एकदम कमल का फूल और वो सब सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी, मतलब कि सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ें करने जाते हैं तो बहुत सारी अड़चन आती हैं। अब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं आती, ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो फर्स्ट पार्ट तक ही रखते, इसका सेकेंड पार्ट मैं बनाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री राधे।